अगर पति अपना पत्नी पर भरोसा ही ना करे, विश्वास ही ना करे, तो ऐसा रिश्ता की कौन मायने? ऐसे में एगो पत्नी कैसे अपना पति के साथ रह पाई? नहीं माला, एक छत के नीचे मन में अविश्वास की भावना भर के अजनबी की तरह रह ले सकता अच्छा बा कि हमनी के दूर दूर रही। पूजा, ये सब फिलॉसफी वाला बात था। अरे असल जिंदगी में ये सब ना होखेला। अगर एक दूसरा के गलती माफ करके नहीं जियल जाए ना, तो ये दुनिया के हर पति पत्नी के अलग हो जाए के पड़ी। एक बार सोच के देखा पूजा, हम तो हर बचपन के सहेली हैं, हम तो हर बुरा कबो ना चाह। नहीं माला, अब हम वापस जाए के कबो सोच भी ना सकेली। हमें जरा तय छोट छोट अनाथ बच्चन की सेवा सत्कार में अपन जीवन गुजार दे। हाँ, तहरा के हमारी जरा पसंद नहीं है, तब बोल दा, हम कहीं और चल जाए। मारब ना अभी, कहीं और चल जाए। अरे हमरा तोरा के समझावल फर्ज बा, कहे कि हम तहरा के खाली अपन सहेली ना बहिन माले नहीं, यही से समझावत रही। अब एकरा खातिर चाहे तू खुश हो और चाहे नाराज, हमरा जो फर्ज बा हम निभाई। बेटा चुप हो जा, इतना दुखी मत होगा। पूजा मिली, जरूर मिली, तो हिम्मत हार जाएगा तो हम वो टूट जाए। रो मत, चुप हो जा। मैं कहाँ करी अब, कहाँ जाए, कहाँ खोजी? वो हमरा से बार बार इस शहर छोड़े के बात करत रहे माई, ओकरा के डर रहे कि हम यही जा सुखी से नहीं रह पाए। इशालू हमने के बीच फिर दूरी पैदा करे की कोशिश करी, और वे भाई माई, वे भाई, काश हम ओकर बात मान ले ले रहती, आज पूजा हमरा से एक के बाद एक अपना प्रॉब्लम में उलझल रहे, लेकिन उकर बात पे ध्यान ही नहीं देले। अब अपन गलती के हम प्रायश्चित भी करल चाहें तो कैसे करी, केकरा सामने करी? पूजा,
पूजा तो चल गई। बेटा निराश मत होगा, भगवान हमनी के परीक्षा ले रहा बा, वो संकट दे ले बा तो संकट से निकाले भी, हमनी के बस हिम्मत रखे के बा। चला चल के खाना खा ला। लेकिन ये कैसे हो सकता है सम्राट? वो तुमसे फोन पे बात की थी, यहां आकर सबके सामने सच्चाई बताने को बोली थी, तो फिर यहां आकर मुकर क्यों गई? ये तो हमरे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हो का गया था। इंस्पेक्टर के सामने हमारी उसने किरकिरी करा दी, केजी केजी को तो पहचानने तक से इनकार कर दिया उसने। अरे तो तुमको उसको समझाना तो चाहिए था। समझाए थे भाई साहब, बहुत समझाए, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पूजा तक का वास्ता दिए, लेकिन उस पर कोनो फर्क नहीं पड़ा। वो तो उल्टे हमारे ऊपर दोष निकालने लग गई। कहने लगी वो हमारे पास काम मांगने आई थी और हम उसको पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिए। कुछ तो बात है सम्राट, आखिर वो झूठ काहे बोल रही थी? पता नहीं, पर वो कमीना केजी हंस रहा था हम पर, खिल्ली उड़ा रहा था हमारी। संयुक्ता के बयान देने के बाद तो वो शेर बन गया, शेर। इंस्पेक्टर को हमको अदालत में खींचने की धमकी देने लगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका चिंता तुम छोड़ो। अभी तो ये सोचना है कि वो झूठ काहे बोली, और अगर उसको झूठ ही बोलना था, केजी को नहीं पहचानना था, तो तुमरा एक बुलाने पर वो रांची से दौड़ी दौड़ी पटना क्यों आ गई? कुछ तो गड़बड़ है सम्राट, रांची से पटना के रास्ते में उसके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसका वजह से वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गई है। हो सकता है, पर उसको बताना तो चाहिए था ना। हमने उसको कितना कहा कि डरो मत, यहां पुलिस है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, केजी से भी डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन केजी, कहीं उसने तो कोई चाल नहीं चल दी? तुम उसके खिलाफ FIR लिखवा के आए थे, मैं भी उसको धमकी दे के आया था शाम तक नतीजा भुगतने का। कहीं उसने तो संयुक्ता को नहीं धमकाया? लेकिन कब, कैसे, और उसको क्या मालूम कि संयुक्ता हम लोगों का साथ दे रही है और यहाँ पटना आ रही है? उसने पता लगा लिया होगा। देखो, उसको पता था कि उसकी पोल सिर्फ संयुक्ता खोल सकती है। हम लोग का उसके पीछे पड़ने की वजह से हो सकता है कि उसने संयुक्ता के साथ कोई खेल खेल दिया हो, या फिर उसको पैसा देके उसका मुंह बंद कर दिया हो। नहीं, संयुक्ता को अगर पैसे का लालच होता तो वो पूजा बनकर गोरखपुर सुधाकर को 50,000 रुपए स्वाति के इलाज खातिर नहीं दे के आती। तो फिर हो सकता है कि वो कोई दबाव में आ गई हो। हाँ, पर का दबाव हो सकता है? अभी तो वही बता सकती है संयुक्ता। तुम्हारे पास उसके घर का पता है ना? हाँ। ठीक, हम लोग रांची चलेंगे। संयुक्ता ने केजी के सामने झूठ बोल दिया है, लेकिन हो सकता है कि अकेले में वो हम लोगों को सच्चाई बता दे कि उसने झूठ क्यों बोला। Thank you.
हमारे पीछे काहे पड़े? का बिगाड़े हम आपका? अरे आपका दुश्मन ही वो का नाम है भाई साहब का? हाँ, केजी। तो आप निपटिए उससे, हमको काहे घसीट रहे हैं? काहे से कि केजी ने तुम्हारा ही कंधा पे रख के बंदूक चलाया है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब सच सच बताओ, किससे डर रही हो तुम? का केजी ने कोनो दबाव बनाया है तुम पर? अब तुम कौन हो हमसे सवाल जवाब करने वाले? हद हो गया, सराफत का तो जमाना ही नहीं है। पहले ही सम्राट और अब तुम। का पुलिस में हो? अगर हो तो हम पहले ही अपना सब कुछ बयान पुलिस में दे चुके हैं। समीक्षा, ये पुलिस से नहीं है, ये हमारे भाई साहब गुड्डू हैं। ठीक है, जब उन रामायण पटना में कर चुके हो यहाँ मत दोहराओ। जब हमको कुछ मालूम ही नहीं है तो हम क्या बताएंगे? जाओ यहाँ से। अरे अब जाओगे? एठो नौकरी मांगने कहा चलेगा, पीछे ही पड़ गए हमारे। जरा पानी मिलेगा पीने को? लाते हैं, ये रहना। तुम तो कह रहे थे कि अपने माँ बाप के साथ यहाँ रहती है। हाँ, इसने बताया था, कल भी कह रही थी कि इसके माँ बाप अकेले हैं। पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक काम करो, इस बार आती है तो उससे उसके माँ बाप से मिलने के लिए कहना। अब इतनी दूर आए हैं तो बिना मिल के जाना ठीक नहीं लगता, और फिर उनसे प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि ये सच बोल दे। लो पानी। सनीता, तुम्हारे माई बाबूजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है? तुमको उससे कहा है? कौन रिश्तेदारी काटना है का? नहीं, आए थे तो सोचे मिलकर जाएं, आशीर्वाद लेके। अंदर है का? नहीं, वो लोग नहीं है, मंदिर गए हैं पूजा करने। ठीक है, हम लोग इंतजार कर ले रहे हैं, कब तक आ जाएंगे? अरे कौन जबरदस्ती है का? वो लोग नहीं आएंगे, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। अब देख कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, हमको भी काम पर जाना है। संयुक्ता, कल तो तुम कह रही थी तुम्हारे माई बाबूजी यहाँ अकेले परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें जाना है तुरंत, पर अब कह रही हो तीर्थ यात्रा पे चले गए? हाँ, तो नहीं जा सकते का? आज सुबह ही गए हैं। एक सच छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगी तुम संयुक्ता? हाँ, हम जानते हैं केजी ने ही कुछ किया है, तुम हमको बताओ, हम तुम्हारा परेशानी दूर करेंगे। सनीता प्लीज, मुझे अभी नहीं मिल रही है। कहीं केजी ने उसको भी गायब ना कर दिया। तुम्हारे सच्चाई बता देने से उस कमीने को सजा भी मिलेगी और हम सभी लोगों का मुसीबत दूर हो जाएगा। संयुक्ता प्लीज, डरो मत, बता दो संयुक्ता। हम पे कोई नजर रख रहा है। क्या सोच रही हो, बताओ, किसका डर है तुमको? तुम लोगों का। तब्बे से को शरीफ लड़की को परेशान किए जा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, हमको कुछ नहीं कहना है।